5 रुपए वापस दे दे। ये फैन ऑन करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर का कोई तार हिल गया। मतलब तेरे पापा उल्टे उल्टे काम करते हैं। ये देखो मेरे हाथ पे आज चोट लग गई। हस्बैंड जी अपने ड्यूटी चले गए हैं और भुवनेश भी अपने स्कूल चले गए एग्जाम देने के लिए। आज भुवनेश का ना लास्ट एग्जाम है, उसके बाद भुवनेश जाएगा कल अपने ननिहाल 2 दिनों के लिए रहने के लिए, और कृष्णा आज आ जाएगा। मैं ना हाँ नहीं आज नहीं आएगा, कल ही आएगा। कैसा रहा तेरा पेपर? बहुत अच्छा गया। सच में? और आते ही टेलीविजन देखने लग गया? मेरा पेट दर्द कर रहा था पूरे 1 घंटे, तो मैंने पेपर नहीं किया। क्यों? पेट दर्द था। कहाँ से? यहाँ से दर्द हो रहा था क्या? पेपर तो दे दिया ना। चलो कोई बात नहीं, सारा करके आया है। और आप कह रहे हो ना टीवी नहीं देख, टीवी क्या देख रहे हैं? तो मेरे पेपर खत्म हो गए, अब तो देखूंगा। और आज पता क्या हुआ? अभी मैं ना वीडियो पोस्ट कर रही थी अपना, तो मेरा नेट खत्म हो गया। अब तुझे एक काम करना है, जा नेट रिचार्ज करा के आ। मेरा 10 रुपए का वो खाना है। वो खा तरबूज, मैंने ना तेरे पीछे से तरबूज खाया था काट के। पापा का कॉल भी आया था, पापा ने बोला कि भुवनेश को तरबूज खिला देना। ये 10 रुपए मेरे वापस दे दे, तेरे मैड एंगल के। मुझे नहीं खाना, हमेशा ऐसे ही करते हो आप। मजा आता है। दोपहर के बज गए 3 और मैं अपना व्रत खोलने के लिए देखो बना रही हूँ खाना। सब्जी तो सुबह की पड़ी है और अभी ना लाइट चली गई, मैं खाना बना रही थी। मैंने सोचा पंखे में सॉरी मतलब कूलर के सामने बैठ के मस्त ताजी हवा में बैठ के मैं खाना खाऊंगी, अपना व्रत खोलूंगी, पर देखिए लाइट ही चली गई। अब आप लाइट आने के बाद ही? लाइट आने के बाद ही व्रत खोलूंगी, अब इतनी गर्मी में तो नहीं खोलूंगी मैं, पसीने पसीने आ जाएंगे मुझे। तुझे नहीं लगती? मुझे तो लगती है ना, तुझे पता तो है कितनी गर्मी लगती है मुझे। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ ना, मेरे फेस पे पसीना पसीना यहाँ पसीना पसीना हो जाता है। खाना बनाने आई और लाइट चल गई, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? आप ही बताओ, बोलना भी नहीं आ रहा मुझे, बदकिस्मती। अच्छा खाना बनाने का सामान क्यों नहीं है? पूरा सामान है मेरे पास खाना बनाने का। अरे कभी ना हो तो यही तो होगी बदकिस्मती। तो जो मैंने रोटी बेली थी वो मैंने सेक ली, अब मुझे दूसरी रोटी बेलनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे कैमरा रखना पड़ेगा नीचे, तो कैमरा नीचे रखती हूँ और अपना खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ, देखती हूँ लाइट कब तक आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा खाना बना लिया और देखिए अब तक भी लाइट नहीं आई। और भुवनेश ये देखिए गेम खेल रहा है मोबाइल में। आवाज़ आई है बाहर, क्या हुआ? कौन आया बाहर? ऐसे कोई जानवर था। आवाज़ आई है, कौन था? हवा से गिलास गिरी है, बाहर हवा चल रही है, पानी नहीं आया अभी तक। आता तो फिर इस पाइप से गिरता पानी। हाँ परसों ना 3 बजे पानी आ गया था और दिन भर हमें पता ही नहीं चला। हमें तो पानी आके भी चले गया फिर भी पता नहीं चला, हस्बैंड जी ने बताया। वो भी बाहर से, पापा को भी नहीं पता, पापा बाहर से चला। हस्बैंड जी ना बाहर से किसी बाहर से ना पूछ के आए थे कि पानी अभी तक क्यों नहीं आया। जहाँ पे मेरे घर के पास ही वाटर टैंक है, हमारे घर के पास ही वाटर टैंक है, वहाँ पर हस्बैंड जी पूछ के आए कि आज पानी क्यों नहीं आया, 2 दिन हो गए। तो उन्होंने बोला पानी तो हमने 3 बजे दे दिया, तो हमें उस दिन पता ही नहीं चला कि पानी आ गया, और पानी भरा नहीं बिल्कुल भी। तो आज आएगा, कल भी नहीं पानी आया था, अब आज तो आएगा, आज तो आएगा। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो आज तो पानी आएगा, अभी तक आया नहीं है। आज के तो 3:15 भी हो गई, अभी तक पानी नहीं आया। आज शाम को आएगा, आप मुझसे पूछो। शाम को आएगा क्या? और उस दिन तो उसने बोला था कि 3 बजे मैंने पानी दे दिया। और देखिए मैं बेड पे आके बैठ गई हूँ, ये देखिए जब लाइट आएगी ना तभी मैं अपना खाना खाऊंगी, अपना व्रत खोल लूँगी। 3:15 हो गए, मैं सोच रही थी टाइम से खाना खा लूँ ताकि शाम को अपने बाकी के काम कर सकूँ। 3:15 हो गए, अभी तक तो लाइट आई नहीं, जब लाइट आएगी तब खाना खाऊंगी अपना। और भुवनेश ना ये फ़ैन ऑन करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा था मतलब, और ये फ़ैन ऑन हुआ नहीं, इसके अंदर का कोई तार हिल गया। ये देखिए लाइट तो है, भुवनेश बोल रहा है इसमें चार्ज तो है, बस ये ना चल नहीं, इसलिए वो बाहर लेने गया पेचकस। ये देखिए यहाँ से भुवनेश पेचकस ले रहा है, अब इस फैन को ठीक करेगा ना भुवनेश। तुझे आता है क्या? सब आता है तुझे, तो एक एक करके सब करिया। करिया फिर से कर रहा है, तू बोल रहा है ना सब आ रहा है मुझे। ये है ना पेचकस ब्लू वाला? यस। सही है, नीचे से तीखा है। चाहिए तो अलग।
सारे खिलार ले नीचे। एक आदमी को तो हवा दे देता है ना, मुझे अच्छा है वैसे तो फैन। किसने ही चलाता है इसको सबसे ज्यादा? आज तुझे कैसे याद आ गई इसकी? ये देखिए ऑपरेशन हो रहा है फैन का। उस दिन पापा ने भी किया था है ना? पापा सोवा नहीं था, पापा कह रहे हैं ये टेप से नहीं। मैंने आइडिया दिया था पापा को, पापा कह रहे हैं ये टेप से नहीं होगा। मैंने टेप से लगा के देखा, हो गया ये। हो जाएगा टेप से, क्यों नहीं होगा? एक नट क्या? कितने नट है इसके अंदर? चार। दो खोल लिए तूने, दो बाकी है। उसके बाद ना इसको चार्ज भी लगा देना, बत्ती आएगी तब। तभी तो बोल रही हूँ। और तेरे मामा तुझे आज लेने नहीं आए, क्या बात है? मामा वो टंकी है मामा के पास। कौन सी? गैस की। अच्छा, इसीलिए जगह नहीं होगी। अच्छा, इसलिए नहीं आए क्या तुझे आज लेने? मामा कह रहे कल आ जाऊंगा। मामा को बोला क्या कृष्णा को लेके आना साथ में? बोला था, क्योंकि फिर मेरा मन नहीं लगेगा, कोई एक चाहिए मुझे घर पे। अभी तू है, तेरे से बातें हो जाती है, फिर दोनों ही हो जाते हो, फिर मैं अकेली हो जाती हूँ, दीवारों से बातें करती हूँ। इसके अंदर ये पेचकस जा नहीं रहा है क्या? ऐसे तो टूट जाएगा, ढीला है नेट। वो अब अंदर ही रहेगा, यहाँ से नहीं खुला, वहाँ से खुल गया। खींचने से इसका वो टूट जाएगा अंदर से। आराम से खटा खुल गया। ये रही वो टेप जो मैंने लगाई, उतर गई है तो टेप। ये ऐसे टकरा, ये इसका टांका टूट गया है ना? अच्छा, मैंने इसको ऐसे अटका के ऐसे करके बस इसको ऐसे टेप चेप दी थी एक बार के लिए। फिर से चेप दे। अभी मैं नंदियाल जाऊंगा ना कल, तो मुझे याद दिला देना। मैं भूल गई तो? ऐसे मैं भी याद रखूंगा, वरना आप याद दिला देना। ठीक है। ये छोटा सा ना देखिए, ये इसका ये टांका टूट गया, ये इसको ना, ये है ना तार, ये ग्रीन वाली, इसको यहाँ पे ऐसे चिपकाना है। वो वाइट वाली टेप ले ले, उसकी गूंद अच्छी होती है। इसकी गूंद अच्छी नहीं होती? व्हाइट वाली कहाँ पे? व्हाइट वाली उस दिन तुम लोगों को दी थी ना, मिल गई। अपना हाथ हटा वहाँ से, अब चालू कर हाथ हटा। ये देख, लगा नहीं अच्छे से टेप, दे मैं लगूँ। अरे मैं कर रहा हूँ ना, आपसे ज्यादा आता है मुझे। अरे आप तो अभी करने लगे हो, मैंने तो इसके जैसे 10 का ऑपरेशन कर दिया, 10 चीजों का। पहले उस वाले रूम में आप ऑपरेशन ही तो करता था खराब चीजों का। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप ये कुछ तोड़ मत देना, देखो कौन सा ये होते हैं ना, ये भी हल्का सा, अगर इसके ऊपर क्रैच आ जाए ना स्क्रैच, तो ये काम करना बंद कर जाएगा। ये मेन होते हैं। ठीक कर दिया मैंने इसको, देखा कुछ ठीक नहीं किया। अभी रुको थोड़ी देर में, टेप मैंने लगाई है और मैं पे पसीना दिखाती हूँ आपको कितना आया है मुझे इतनी देर में। ये देखो बुनेस पसीना सुखाने की कोशिश कर रहा है और मेरे फेस पे देखिए इतना सारा पसीना आ गया, दिख रहा है क्या? एक बूंदी है रही। ये देखिए यहाँ से आँख पे, ये देखो मम्मी ये मैंने क्या कर दिया, ये देखिए पसीने की बूंदे गिर रही है जैसे ना के आई हूँ। क्यों कर रहा है, उसके अंदर उंगली डाल रहा है? कुछ नहीं होता तुझे, कुछ नहीं हो रहा है, वो फैन खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। इसको रख दे, कल टांका लगवा लेना। बस एक टेप लगा लिया है अपने से और अब खुश हो रहा है कि मैंने कर दिया। ये बाहर आ रहा था बार बार, ले रहा था, अब नहीं ले रहा। ये छोटा सा फैन, ये ना मैंने मीशो से मंगवाया था, 225 का था ये फैन। ये तो ये आपके ऊपर टॉर्च भी मारेगा। कभी भी हम नहीं झुकेगा, कभी भी। बहुत डायलॉग मारते हो। 40 हो गए और अभी तक लाइट नहीं आई। ये देखो हिल रहे हैं ना भुवनेश के बाल, आगे के पीछे के, ये देखिए हवा देता है फैन। इसको ऐसे करके पापा और किसने ऐसे सो रहे यहाँ पे रख दिया ऊपर, किसने के पास भी हवा, पापा के पास भी हवा, पापा ऐसे सो। ये छोटा है इसीलिए इतनी हवा नहीं देता, वरना इसका पंखा कूलर की स्पीड से घूमता है। नहीं मुझे तो इसकी हवा अच्छी लग रही है। अरे कूलर की जितनी थोड़ी देता है हवा, उतनी नहीं है पर ठंडी है हवा। मतलब अभी तो देख फैन बंद है, मतलब हाँ फैन बंद है, लाइट गई हुई है, कितनी गर्मी लग रही है। इसके चालू होते ही एक ठंडी ठंडी हवा आती है, रात मिल जाती है। ये पीछे वाले नट है ना, इसको नहीं कसूंगा, ये निकलता तो है नहीं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, अगर इसको कस दिया ना तो ये खुलने में दिक्कत होती है इसको। ये लो हमारा फैन ठीक हो गया, पुनः हवा ले रहा है। बस इसके ना पीछे के दो नट हैं जो लूज है, टाइट नहीं हुए, पहले तो टाइट थे अब लूज हो गए। मैंने टाइट किए ही नहीं। क्यों?
तो वो पीछे वाले वापस खोलने में दिक्कत होती है, कल खोलना। अच्छा हाँ, कल खोलना है इसलिए। कल बुने से टांका लगा के लगा, फिर इसके पीछे से नट ना टाइट कर देगा। अभी टाइट कर तो दे, पर कल ना फिर से खोलने पड़ेंगे, इसलिए बुने से ने टाइट नहीं किए। अरे टांका टूटा नहीं था, तो पापा ने वो गलती से ना वो तोड़ दी, उसकी टांका तोड़ दिया पापा ने, ये टूटा हुआ नहीं था। मतलब तेरे पापा उल्टे उल्टे काम करते हैं। तारीफ पापा के, पापा जब ये ब्लॉग देखेंगे तो पापा क्या सोचेंगे इस ब्लॉग को देख के, मैं ना हूँ तो मेरे पीछे से घर में मेरी इतनी तारीफ होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 4:30 हो गए हैं, ये देखिए 4:30 होने में 10 मिनट कम है और अभी तक लाइट नहीं आई, तो मैं अपना बर्थ खोल रही हूँ बिना लाइट के, क्योंकि फिर देर से बर्थ खोलूँगी ना तो सारे काम देर से ही होंगे। ये देखिए, ये कल वाला ना थोड़ा सा इसके अंदर हलवा पड़ा है, हलवा लूँगी मैं, और इसके अंदर से थोड़ा सा ले लूँगी मैं दही। ये देखिए, ये मैंने दही भी ले लिया। फ्रिज को मैंने बंद कर दिया, ये चुन्नी मैंने ना यहाँ पर टांग दी। वहाँ पे टांगती हूँ ना, वहाँ पे देखिए टांगती हूँ तो ब्लॉग के अंदर आ जाती है, इसके मैंने यहाँ पे डाल दी। और आज ये देखिए यहाँ पे भी ब्लॉग में आ गई, ये पूजा करते समय की दुपट्टा है मेरा। तो मुझे ना सिर्फ ना अपना हलवा ही गर्म करना है, उसके बाद मैं हलवा गर्म करके खाना खा के और उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने अपना व्रत खोल लिया और ये देखिए अपने ना मैंने ना लेफ्ट हैंड से खाना खाया, अपने राइट हैंड से मैंने खाना नहीं खाया, और मेरे ना इस राइट हैंड पे ही चोट लगी है, दरवाजे पे मेरे ना उंगली आ गई। ये देखिए यहाँ पे खून इकट्ठा हो रखा है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये देखिए नेल्स पे ना, ये देखिए खून इकट्ठा हो गया, इस उंगली पे ना, टॉप पे भी खून इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे ना दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से। तो इस उंगली से ना कुछ भी टच नहीं हो रहा, आधे घंटे तक तो ना उंगली झनझना रही थी, पर अब ठीक है, फिर भी भारी भारी है यहाँ से। ये सारा ना ये या ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, यहाँ से ये सारा ना भारी भारी सा लग रहा है। तो आज का काम, बर्तन तो मुझसे होंगे नहीं, देखती हूँ कौन कौन सा काम कर पाती हूँ कौन कौन सा नहीं। जो जो काम कर पाऊँगी वो मैं करूँगी, जो जो काम नहीं कर पाऊँगी वो भुन्ने से और हस्बैंड जी से करवाऊँगी। चलती हूँ अंदर, बाहर बैठी थी, मेरे हाथ पे चोट लग गई, पता है क्या तुझे? मैंने आपको जब कहा था तब आपने क्या कहा था? वो मैंने डांटा था तुझे, वो तूने मेरी उंगली को टच करने की हिम्मत कैसे की? इतनी जोर से मेरी उंगली आई है अंदर और इतनी जोर से मेरा दर्द कर रहा था हाथ उंगली, और तू मेरा हाथ ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे डांटा था। ये उंगली ना टच भी नहीं हो रही अभी तक, नहीं हो रही मेरे से, तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये देखो मेरे हाथ पे आज चोट लग गई। कैसे लग गई? हाथ मत पकड़ो मेरा, बस देख लो दूर से। हाँ जा, दिख ही नहीं रहा था मेरे को। इस उंगली पे लग गई, दरवाजे के अंदर आ गई मेरी उंगली है। ओ, पकड़ो मत आप। अच्छा यहाँ नाखून ये है ना, नाखून के ऊपर लगी तभी तो दर्द हो रहा है। ओ, नाखून दब, ये उंगली दब गई वैसे है ना। हाँ, ये उंगली ऐसे दब गई। अभी नाखून तो इतनी जोर से लगी थी मेरे के मेरे तो सांस ही निकल गई, मैं तो ऐसे हो गई, चक्कर आने लग गए तेरे को तो। चक्कर नहीं आए वैसे, ऐसे होगी ऐसे हाथ ऐसे जन 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 करेगा, नख पे लगी है ना, नाखून पे दबा है ना, हाथ जन 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 करने लग गया था। खाना भी नहीं खाया मैंने, व्रत भी अपना इस दाएं हाथ से खोला। अब क्या खाना डाल दूं? खाना डाल दो, मीटिंग में जाना है, खाना खा के जाएंगे। ठीक है खाना डाल देती हूँ। ये देखो कृष्णा आ गया ननियाल से रात के 9 बजे। क्या हो गया? इसको कोल्ड ड्रिंक की सोच हो गई कि पीछे से साहबी ने मतलब कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी ली। मुझे तो इसने वो व्लॉग देखा होगा हमारा, तब इसको पता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सारी तो नहीं पी ली। क्या मामा ने वीडियो दिखाया था? अभी घर पे आते इसने कोल्ड ड्रिंक देखी है पहले, ये कोल्ड ड्रिंक कितनी पी है। इन सब तो अपने लिए सुनता हूँ, तो वाटरमेलन का खाया, वाटरमेलन का शेक पिया और मैंगो खाया।